ज्ञानी का बोलबाला, बड़ बोले का मुंह काला। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया। कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब माँ का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। आज जीडीपी कहाँ है? नोटबंदी, गलत जीएसटी, गलत लॉकडाउन, 10.8% जीएसटी, परिणाम जीडीपी आज -23.8। भाषण से नहीं, दिमाग से देश चलता है, जो तुम में नहीं है। स्टाम्प शुल्क बढ़ाने के बाद, जीएसटी वसूलने के बाद, पेट्रोल डीजल महंगा करने के बाद भी अगर सरकार घाटे में है तो पैसा गया कहाँ? ठेके भी खुले थे फिर भी जीडीपी -23.9। सोचो अगर बंद होते तो जीडीपी -56 तो पक्का हो जाते। शुक्र है भगवान। एक्ट ऑफ गॉड, चीन मैप पर आक्रमण कर रहा है और मोदी सरकार ऐप बैन कर जवाब दे रही है। वाह मोदी जी वाह, बेटा खूब चलाई पबजी, अब बेचो सब्जी। नौकरियां नहीं है, अंधभक्तों का नेट रिचार्ज करवाओ, अभी तक किसी ने भी गिरती अर्थव्यवस्था के फायदे नहीं गिनाए। उधर फेंकू ने अपने मन की बात सुनाई, इधर देश की जनता ने डिसलाइक करके अपनी राय बताई। ढोल की पोल खुल रही है, फेंकू की कलई खुल रही है।